हाँ जी, सारे का की हाल चाल है? होप तुसी सारे ठीक होवोगे। ऑडियो शुरू करने से पहले मैंने एक ही बात बोलनी है, एक मैसेज है गौतम गोबर के लिए कि मेरा मुंह मत ही खुलवाओ तो अच्छा है ना, बंद है मुंह तो रहने दो। याद करो कि मैंने एक ही बात खोली थी तो तुम लोगों को लूज मोशन हो गए थे, है ना। ऐसे लूज मोशन हुए कि तुम्हारी माँ को लाइव पे किसी चैनल पे जाके फालतूगिरी करनी पड़ी, फालतू चीज़ें बोलनी पड़ी, और उस बात में तुम्हारी मदर ने बोला था कि मैं पता नहीं क्या खोलूँगी, मुझे तो चट्टे खोलूँगी, पट्टे खोलूँगी, पता नहीं क्या खोलूँगी। तो भाई फिर मेरे पास तो इतना कुछ है ना, अगर मैसेज हिंदी में समझ नहीं आता तो पंजाबी में बता दूँ कि मेरे को तो इन्ने पोतड़े ने थोड़े खोलन वाले ना, और ऐसे ऐसे हैं के विचों गंद ही निकलना है ना। और तू बोल रहा है कि तू कंटिन्यू करेगा, अब पैर पैर पे सपोर्ट करता रहेगा, क्यों करेगा वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक मैसेज है तुझको। जब मैं अपनी आई पे आ गई ना, मुझे ना तू रोक पाएगा, ना मुझे भंकू रोक पाएगा, ना मुझे प्रीति रोक सकती है, क्योंकि मैं अपनी मन की मर्जी से और मैंने खुद की मेहनत से तुम्हारे बारे में जो बातें पता करवाई है ना, है ना, वो तो फिर सारी खुलेंगी। मैं उस वक्त लास्ट टाइम चुप कर गई क्योंकि तुम लोग बैक स्टेप ले लिया था तुमने, लेकिन अगर तू अब कंटिन्यू करेगा ना, अब कंटिन्यू करेगा टारगेट, क्योंकि मैं तो यहाँ पे प्रीति की सपोर्ट में तो मैं आई हूँ, थी हूँ और रहूँगी भी, लेकिन यहाँ पे जो तेरे जैसे लोग हैं ना, जो रियलिटी में कुछ और हैं और जताते कुछ और हैं, तुमने खुद अपने मुँह से बोला कि जो हम हैं ना, हम थोड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, थोड़ी रिस्पेक्टेड, क्योंकि तू भी जानता है कि फुल रिस्पेक्टेड तो तू काबिल नहीं है, तू खुद को खुद ही बोल रहा कि थोड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली से, वो भी थोड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली, पता क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पोतड़े खोलने वाला कोई यूट्यूब पे है नहीं, तो वो कौन हूँ मैं, टेंशन मत ले। तो इदा कर, तू कॉन्टीन्यू कर, इधर मैं भी तैयार हाँ, तो तैयारी कर लै पंजाबी च मैसेज तेरे लिए, कन्ना च तेल पा लै, क्योंकि फिर मैं तो इन्ना सच बोलना, इन्ना कुछ इन्ने पोतड़े खोलने हैं ना कि फिर तेरे कान पड़ जाने, ऐसे ऐसी तेरी रिस्पेक्ट बाहर आएगी कि तेरे कान फट जाएंगे, तो कानों में अच्छे से तेल डाल ले, ठीक है। बस इतना ही मैसेज है तेरे लिए। क्यों, आज कुछ नहीं बोलूँगी इस ऑडियो में, कुछ नहीं बोलूँगी, रियलिटी कुछ नहीं खोलूँगी, पोतड़े भी नहीं खोलूँगी, ना तेरी माँ के, ना फिर तेरी बहन के, जिसके बारे में तुझे बहुत दुख लगा, नहीं खोलूंगी, अभी भी नहीं खोलूंगी, कुछ नहीं खोलूंगी, लेकिन इन फ्यूचर कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर ज़्यादा लंबा वाला फ्यूचर नहीं, ये एक दो दिन में शुरू कर दूंगी, फिर तू तैयार हो जा सुनने के लिए, फिर मेरे को नहीं पता किसका घर वाला कब तक चुप रहेगा, किसका फादर कब तक चुप रहेगा, किसकी माँ कब तक चुप, तुम जो लोग जो टारगेट कर रहे हो ना किसी पर्सन को, जो गलत है, रॉन्ग है, समझे, राइट रॉन्ग का डिफरेंस करना आना चाहिए। अब आगे बताती हूँ नॉर्मली बात क्या है। ये बंदा गौतम गोबर बोल रहा है कि झूठा केस हो गया, भाई हाँ, हमारे पुलिस वाले FUDDU है ना, जो ये लीगल काम करते हैं सभी, वो FUDDU है, तुम लोग ही सच्चे हो, करेक्टर सर्टिफिकेट सच्चे होने का लेके बैठे हो तुम लोग, है ना। अब पहले तो एक्सप्लेन करूँगी कि ये केस, जिसको केस बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट अ केस, एक कंप्लेंट हुई थी बहुत देर पहले, सबको पता है, उस वक्त प्रीति ने अपना डर भी जताया था YT पे कि क्या हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ, और वो पहला इंसिडेंट नहीं था, उससे पहले भी बहुत बार ये भंकुश ऐसे इंसिडेंट कर चुका है, लेकिन वो चुप थी कि शायद हट जाएगा, सिर्फ एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट जैसे बंदा करता है कि वार्निंग दिलवा देता है, वो करी, लेकिन ये बंदा हटा नहीं। फिर क्या इसने किया, फिर इसने साथ लेके आया इस बौरव को साथ लेके आया, क्योंकि अकेला नहीं उछलता जी, जब इसके पास एक कंधा होता है ना उछलने के लिए, फिर उछलता है ये, तो इसको लगा कि ये दो बंदर मेरे साथ मिल गए हैं, अब दो बंदरों के साथ मिलके मैं जो मर्जी करूं, तो उसको साथ लेके आया। भाई फिर जब तुम ऐसी करतूत करोगे तो तुम क्या चाहते होगे, आगे से प्रीति की फैमिली तुम्हारे गले में हार पहनाए हैं, या तुझे बोले कि आ बैल मुझे मार। तो भाई जब इंसान कुछ और नहीं, तो यहाँ पे हर जगह रूल है भाई कि तुमको लीगल ही चलना पड़ता है, और लीगल तो ऑलरेडी, जब तुमको पता है कि तुम ऑलरेडी लीगल प्रोसेस में हो, तो फिर तू क्यों उनके घर के बाहर जाकर डेले दिखाता है तेरे, वो भी चश्मे वाले,
चश्मे के बिना अंधे तुझे दिखता भी नहीं, और डेले तू ऐसे दिखाता कि जैसे फाड़ देगा, जब तू फटेगा ना फिर अब तुझे पता चलेगा। अब लीगल सब कुछ हुआ है तो लीगल फाइट से डरते क्यों हो? एक इंसान ने एक बार जाने दिया, दो बार जाने दिया, तीन बार जाने दिया, चार बार जाने दिया, अब ऐसे कैसे जाने दे हर बार? डर है तो डर है भाई। तुम लोग देखो भाई, नॉर्मल इंसान अलग बात है, जो इंसान नशे में है, नशे की हालत में, नशे की हालत में तुम किसी पे यकीन कर ही नहीं सकते। क्या पता वो क्या गलत उसकी इंटेंशन है, कौन सी गलत इंटेंशन लेके वो ये सब कर रहा है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ आगे भी ऐसा कुछ होता है, छोटी चीज भी किसी की ऐसी इंटेंशन नजर आती है तो कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस में। ये पुलिस किसके लिए, पुलिस स्टेशन किसके लिए, ये सब किसके लिए? लोगों की सेफ्टी के लिए तो है ना। तो भाई आखिर में सहारा यही बचता है तो उसने लिया। अब ये कोई केस ऐसे नहीं है कि आज या कल हुआ, ये कंप्लेंट आगे तक बढ़ती 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 उस पर जो एक्शन लीगली लिया गया वो फिर इन प्रोसेस आया, फिर SDM के पास पहुंचा, फिर इनको वहां पे बुलाया गया, है ना। और वहां पे जब कोई बुलाता है तो बिना वजह के नहीं बुलाता है, पूरी छानबीन होके सब कुछ होके फिर बुलाता है। और ये जो आधा अधूरा ज्ञान ये गोबर बांट रहा है, गौतम गोबर बांट रहा है, इससे पूछे कि तू साथ गया था वहां पे, जो तुझे पता है कि इस केस का कुछ नहीं बना। वो तो जब वो जिन पे ये SDM के जो पेश हुए हैं इनके आगे जो प्रोसेस चलेगा, आगे इनको तरीक मिलेगी I think so, तो वो बताएगा ना तुझके क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। तू थोड़ी ना बताएगा, तू तो गया भी नहीं साथ में, और बता रहा है कि ऊपर से एक और केस डल गया है, भंकुश जी पे एक और केस बन गया। भाई भंकु तेरा साला लगता है क्या, सॉरी टू से जीजा लगता है क्या? हाँ भाई जीजा लगता है। जीजा कैसे लगता है? प्रीति का हस्बैंड है ना, प्रीति का हस्बैंड है। तो तू क्यों इतना भंकुश कर रहा है? प्रीति की वजह से तुम्हारा जीजा बना। अगर प्रीति का कुछ नहीं लगता तो तू फालतू में क्या जीजा बना? तूने अपना कोई आगे रिश्ता चलाना है उसके साथ? किस तरीके से तू और उसको जीजा बनाना चाहता है? क्या इंटेंशन है आगे इन फ्यूचर की, बताना जरा। डिटेल दे दे, आधी अधूरी डिटेल तुझ पे। तो जो अब इस चीज के पीछे मैं एक बात आगे कंटिन्यू बाद में करूंगी, क्योंकि मेरे पॉइंट्स कुछ मुझे भूल जाते हैं, जो बताने वाले पॉइंट्स हैं आप लोगों को कई बार बंदा भूल जाता है। तो मेरे माइंड में आज एक बात आ रही थी कि भाई ये भौरव तो ऐसे ही फंस गया इस चक्कर में, क्योंकि उसका तो इस चीज में कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसे ही फंस गया। चैनल गौतम गोबर का, उसको मतलब चाहिए था भंकुश से, है ना। इसमें भौरव का बीच में क्या, उसका तो कुछ भी नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। इस बंदे ने उसको हवा दी, इस बंदे ने उसको पंप दिया गौतम गोबर ने, कि तू देश का साथ, तू देखो आप ये बीच में नहीं आया, उस दिन गौरव ना जाता ये जाता। अब शुरू कहाँ से हुई बात मैं बताती हूँ, शुरू कैसे हुई। जेलसी हुई, क्योंकि सगे रिश्तों में भी कुछ रिश्ते जब आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं ना, तो दूसरे रिश्तेदारों से कुछ ऐसे गंदे रिश्तेदारों से बर्दाश्त नहीं होता कि वो गरीबी से बाहर कैसे निकल आए। अब देखो भाई, उन्होंने अपनी मेहनत की, चैनल चलाए तीनों भाई बहनों ने, क्या थे क्या से कहाँ तक पहुँचे, अपनी मेहनत करके पहुँचे। सिर्फ YouTube से ही नहीं, दीपू और भी बहुत काम करता है ना, उसके लिए कोई काम छोटा, अपना छोटा सा खेत है, खेतों में भी काम करता है, ड्राइविंग भी करी है, छोटे मोटे ठेकेदार है, ठेके भी लेता है, वो काम भी करता है अपना, कोई भी है छोटे मोटे, उसने कई काम डाल रखे वो करता है उसमें भी। YouTube को तो वो इतनी सीरियसली करता भी नहीं है, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं, अपनी मन मर्जी से करता है। तरक्की की है भाई, तो की जलते क्यों हो तुम? गौतम गोबर तुम्हारी तरह थोड़ी है ना, दादे पर दादा की जमीन जायदाद मिल गई, उस पे खेती शुरू कर ली, बस ठीक है जी, कोई चक्कर ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। और ये मत भूल कि ये जो जमीन जायदाद दादे पर दादे की होती है ना, उसमें बहनों का भी उतना ही हक होता है जितना भाइयों का होता है। जितना तेरे फादर का हक है ना, उतना हक तेरी बुआ का भी है, तेरी दोनों बुआ का है। तो कुछ हिस्सा उनका भी तुम्हारे पास है, जो तुम जिससे तुम कमा रहे हो। तो अगर ये तू टाइटल रख रहा है, तू ये डाल रहा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो फिर उनकी जितनी हिस्से की जमीन खा रहे हो वो वापस दे दो ना, उनको दे दो। कहीं देखना, अब फिर कहीं तुझ पे प्रॉपर्टी का केस तो बनता है भाई, फिर उनको तो प्रॉपर्टी का केस करना चाहिए तुम लोगों पे कि भाई हमारा हिस्सा दो। और बहनें ऐसा भी कर सकती हैं, ये पता है बहुत रूल्स इंडिया में नए बन गए हैं, जो जायदाद जद्दी पुश्ती जायदाद होंगी है ना, पंजाब च रहना पता ही होना तेनों, जद्दी पुश्ती जायदाद जो दादों परदादों की होंगी है, जिहड़ी जायदाद तुसी खुद नहीं बनाई, दादियां परदादियां की है, उहदे विच लड़कियां दा बरोबर हक है, कदी भी केस करके अपना हक लै सकदियां। लै के जो खुद नहीं ना यूज करना चाहुंदियां, अपने किसी भी भरा नूं दे सकदियां ने, समझे? ये याद रख,
ज्यादा मत बन, जेलसी है तेरे मन में, उसी जेलसी की आग लगी इस बंदे को कि भाई हम तो चाहते थे कि सारी जिंदगी हमारी तरफ ही देखते रहे, हमसे मांग कर खाए, है ना, बेचारे बन के रहे वो, और वो कर गए तरक्की, वो हो गए इनसे भी ऊंचे, लेकिन मेहनत से, जेलसी नहीं मेहनत से। फिर इस बंदे को आग लगी कि भाई मुझे मेरा यूट्यूब चैनल क्यों नहीं प्रमोट कर रहे मेरा यूट्यूब। भाई अगर तू इतना ही अच्छा भाई था, सब कुछ अच्छा था, तेरे को जेलसी नहीं थी, तो तू उनसे रिक्वेस्ट कर लेता भाई बहनों से कि मेरा भी यार शौक है, मेरा भी YT चलाने का शौक है, चैनल चलाना चाहता हूँ मैं भी, है ना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, है 2-4 महीने करता अपने आप काम, फिर तुझको सपोर्ट, तुझको रास्ता दिखाते, तुझको सपोर्ट करते। लेकिन नहीं, ईगो थी कि मुंह से बोलना भी नहीं है, अपने आप ही सपोर्ट कर दे। भाई कैसे तुझे अपने आप सपोर्ट कर दे, है ना। और अब बोलता है, अपने आप को इतना अच्छा दिखा रहा है, बोलता है कि बंकुश जी ने देखा कि मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये वो, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे प्रमोट किया। वाह बंकुश जी, वो बंकुश जी जिन्होंने, जो खुद अकेले बहुत कुछ करते रहे लेकिन उनका चैनल जरा भी नहीं चला, कुछ भी नहीं था जिनके पल्ले, जिन्होंने एक दिमाग में प्लान बनाया कि अच्छी खासी YT पे लड़की काम कर रही है, अच्छी खासी कमाई कर रही है, अच्छे खासे उसके व्यूज़ हैं, अच्छा खासा चैनल चल रहा है, क्यों ना उसको फंसाऊँ, उसके इमोशनल ब्रेकडाउन में उसको फंसाऊँ, फ़ायदा उठाऊँ और अपना चैनल चलाऊँ। उस भंकुश जी ने, उस कुत्ते ने उस लड़की से, प्रीति से शादी की, 4 महीने अच्छे से रहा, चैनल चलवाया, प्रमोट करवाया, जब बिल्कुल टारगेट पूरा हो गया ना, तो फिर म्यूचुअल डिवोर्स मांगना शुरू कर दिया। बहुत कुछ हुआ, वो स्टोरी आपको सारी पता है, बहुत कुछ हुआ, फिर उसको घर से निकाल दिया। फिर मन में तो पहले से ही था कि इसको नहीं रखना, जो बंदा 6 महीने प्रेग्नेंट लड़की को बोल रहा है कि मुझसे म्यूचुअल डिवोर्स कर दो, तो सोच लो आप कि उसकी प्लानिंग ऑलरेडी इन फ्यूचर की हो चुकी है, उसको इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, ना बच्चे से कोई लेना देना है, है ना। वो तो लेना देना तब शुरू हुआ जब केस पड़ गया, इसको लगता था कि लड़की कुछ नहीं बोलेगी, डिवोर्स दे देगी और मैं अपने घर, वो अपने घर। भाई कैसे ऐसे, तूने यूज़ किया, उसको समझ आया कि भाई इसका तो यूज़ हुआ है ना। उसने तो फिर भी एहसान किया कि एक भिखारी भुखड़ बंदे को, नकारा को कमाने लायक बना दिया, भीख में दिया उसने उसको चैनल, भीख में उसको पहचान दी, और थूका, प्रीति का थूक चाट रहा है ये भंकुश, और वही प्रीति का थूका हुआ थूक चाटने गया ये गौतम गोबर वहां, इनडायरेक्टली प्रीति का थूका ही तू वहां चाट के आया है, तभी तो भंकुश जी ने तुझको प्रमोट किया ना, वरना भंकुश तो किसी को मरी मक्खी ना दे, इतना कमीना है। भंकू के, मुझसे पूछ, ये भंकू के रिश्तेदारों के कई बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मामू चाचू हमारा चैनल खुलवा दो, हमको सपोर्ट कर दो, हमारा चैनल प्लीज़ खुलवा दो, लेकिन ना जी ना कभी नहीं करेगा। तुम्हारा किया क्यों, उसके पीछे उसकी अपनी इंटेंशन, प्रीति को नीचा दिखाने के लिए, और तेरे तो रिश्तेदार भी हमारे साथ है, क्यों भाई, उसको थोड़ी, प्रीति को थोड़ी ना पता है कि उसके रिश्तेदार थूक चाटने गए हैं यूट्यूब के लिए बस। और आज एक बात बताती हूँ, शुरू से जब से ये यूट्यूब का लालच पड़ा ना इस गौतम गोबर से, तब से इस गौतम गोबर की माँ और ये गौतम इस अंकुश और अंकुश की माँ से कॉन्टेक्ट में है, किसी लड़की का घर बर्बाद करने के लिए, खुद की रिश्तेदार का घर बर्बाद करने के लिए। तो शर्म करो, शर्म करो, तुम्हारी भी लड़की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, YT पे अगर खुल गई ना, खुलने पे आ गई, तो फिर बैठे रहियो, इतना भी कोई अच्छा नहीं होता कि आंखों देख के मक्खी निगल जाए, है ना। तो फिर वो मक्खी तो मैं दिखा दूंगी, सामने वाला निगलता है कि नहीं निगलता, मैं नाम लेके बातें बताऊंगी, मैं नाम लेके मैं, दिस इज़ अ वार्निंग, गौतम गोबर के लिए तो खुलेआम वार्निंग है, खुलेआम वार्निंग है। जो ये रंगीली है, गौतम गोबर है, और गौतम गोबर तुझको ये बता दूँ, मैं जो तेरे चर्चे हैं ना, जो तेरा भी रिस्पेक्टेड पास्ट है, यहाँ पंजाब से लेके दिल्ली तक वाला, विद डेट्स, विद रियल नेम्स मैं बताऊंगी। तू मुझे प्रवोक कर रहा है, वो बातें जो मैंने अभी, जो नाम, जो बातें मैंने खोली नहीं है ना, मैं चुप कर गई थी कि तेरा पर्दा खोलते खोलते बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद ज़िंदगी में ना चाहते हुए गलती कर ली, लेकिन आगे जो अपनी अच्छी लाइफ अपनी फैमिलीज में गुजार रहे हैं, अगर मैं उनका नाम लूँगी तो उनके रिश्ते ख़राब होंगे। तो उन रिश्तेदारों से आज मेरी गुजारिश है, जिनको पता है कि गौतम का कुछ पास्ट, गौतम गोबर का कुछ पास्ट तुम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो तुम लोग जाकर इसको बोलो, इस गोबर गौतम को, कि मुझे प्रवोक ना करे, वरना मैं विद नेम,
मैं सब कुछ यहाँ सारी स्टोरी यहाँ वाइटी पे बताऊंगी, फिर मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये नहीं रोक सकता, भंकुश नहीं रोक सकता, प्रीति नहीं रोक सकती, प्रीति के रिश्तेदार फैमिली कोई नहीं मुझे रोक सकती, फिर मैं सब बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो इतनी इकट्ठी हुई इन्फॉर्मेशन है। मैंने उस वक्त नहीं नाम बताए थे कि किसी और का नुकसान होगा, किसी और फैमिली में लड़ाई झगड़ा होगा, किसी और का घर बसा बसाया खराब हो सकता है। तो अगर आप रिश्तेदार, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो इसको देखते हैं, अपनी खुद की इज्जत बचाने के लिए इसका मुंह बंद करवाओ। और वो रिश्तेदार प्रीति के मामे नानके सब, जिनको पता है भाई है फैमिली में ये बड़े, लेकिन इस औरत इतनी चलाक लेडी है, ये गोबर गौतम की माँ, भाई इस पे क्यों नहीं शिकंजा कसते? एक लड़की को इस तरह से पीछे से बदनाम किया जा रहा है, घर तो उसका टूटना ना टूटना अलग बात है, वो लीगल फाइट जब चल रही है, ये बीच में क्यों घुस रहे हैं? आज प्रीति है, कल को आप लोगों में से किसी की बेटी हो सकती है, इनकी खुद की बहन की भी बारी आ सकती है, ये नहीं है। क्योंकि जैसी बातें मुझको पता है, अगर मैं बोलने पे आ गई ना, तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगेगी, कहाँ कहाँ। फिर तो वो चर्चे आएंगे गोबर गौतम, वो डार्क सीक्रेट्स आएंगे जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, समझा? तो तू अब सोच ले, मैं तुझको 2-3 दिन का टाइम देती हूँ, तेरे साथ ही मैं कंटिन्यू करूँगी, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। तू कह रहा ना कि टाइम टू टाइम कंटिन्यू करूँगा, मैं भी टाइम टू टाइम कंटिन्यू करूँगी, नो डाउट। जब मुझे लगेगा कि तू एक्सट्रीम लेवल पे कुछ कर रहा है बकवास, तो मैं भी उसी टाइम पे छोटे 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 पॉइंट्स खोलती रहूँगी। एक बार मैंने तेरी बहन का नाम लिया था तो तुझे आग लगी, जबकि मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत अभी बोला नहीं था, कुछ भी मेरे पास बहुत कुछ है, और तुम्हारे मुझसे ज़्यादा यार तुझको पता है कि तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ। कुछ तुम्हारी मदर की बातें, तुम्हारी खुद की तो तुम्हें पता ही है, कहाँ कहाँ मुँह मारा है तूने, पता है ना खुद की, वो मुझे सब पता है, नाम भी पता है, रिश्तेदारी क्या लगती है तुम्हारी रिश्ते में वो भी पता है। तुम बता दूंगी मैं किसी की, वो मेरा कौन, मेरा कोई कुछ नहीं लगता। अगर यहाँ पे तुम तो अपनी रिश्तेदार की बदनामी कर रहे हो, प्रीति तुम्हारी कजन सिस्टर है, तुम अपने रिश्तेदार के सगे नहीं हो, तो भी मेरे तो तुम लोग कुछ भी नहीं लगते, मैं तुम्हारी क्यों सगी बनूं? मैं तो फिर बोल ही सकती हूँ, मुझे तो फिर 100% हक है बोलने का, मेरा चैनल भी अच्छा चलेगा, है ना। तू यहाँ बोल रहा है कि मैं अपनी तरफ से अपनी, भाई फिर जितनी ऑडियंस तेरी है उतनी तो मुझको भी सुनती है, फिर तू ये हिसाब लगा ले, जितना तू अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करेगा, झूठे केस सच्चे केस, झूठे सच्चे केस तो कानून है हमारा डिसाइड करने वाला, तू थोड़ी ना डिसाइड करेगा। तो मैं तो फिर यहाँ फिर वो सारा सच बोलूंगी, मैं तो तुम्हारे पर्सनल जो मैटर्स हैं, तुम्हारी पर्सनल सच्चाइयाँ हैं ना, जो राज है, मैं तो वो शेयर करूंगी, मुझे केसों वेसों से क्या लेना देना, वो तो जिस जो लड़ रहा है वो लड़ ही रहा है ना। तो ये वार नहीं है तुझको, क्योंकि मेरे पास, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ कि जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, भाई तेरे कानों से खून आएगा फिर। हैं, एक तू अपनी बहन का नाम नहीं सुन सका था, अपनी माँ की कोई पास्ट की एक बात नहीं सुन सका था, मेरे पास सैकड़ों सैकड़ों 5 नाम है तुम्हारे उस फैमिली में जहाँ तूने मुंह मारे है ना, 5 नाम। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोग मेरी ऑडियो सुनते हो ना, तो इसको लानत डालो, इसको फोन करो कि तेरे से आपे की वजह से अगर हमारी परिवारों में कुछ होगा ना, तो ये तू देख ले ध्यान से फिर कि तेरा क्या होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, आप लोगों को इन फैमिलीज में तो आप लोगों को पता ही है ना, गौतम का गौतम गोबर गौतम तो कहना नहीं चाहिए, गोबर गौतम गोबर है साला, है ना। तो इसका आपको, क्योंकि मैं इसको गाली इसलिए निकाल रही हूँ, जब वो मुझे याद आ दिमाग में आ रहा है ना, किसने ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ ये किया है, तो ये सगे नहीं है, फैमिलियों में फैमिलीज में मुंह मारते हैं, फैमिलीज में, समझ रहे हो ना पंजाबी में मुंह मारने का मतलब क्या है, समझ जाओ। आगे टेंशन मत लो, आने वाली ऑडियंस में फिर मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा मुंह मारने की बात मैं कर रही थी, दिल्ली तक मुंह मारने गया, दिल्ली तक, इतनी गंदी आदत है। तो अब आते हैं, बंदा बोल रहा है कि इन्होंने मुझ पर केस करना था, भाई उनको सपना हो तुझ पे केस बनता है, तुझ पे केस, ये जो तूने लीगल डॉक्यूमेंट शो किया है ना, जो तूने अपनी पोस्ट में, उस पे केस बनता है तुम पे, तू नहीं कर सकता शो ऐसे किसी का लीगल डॉक्यूमेंट, इस पे हो सकता है, इस पे दावा कर सकता है करने वाला अगर चाहे तो, टेंशन मत ले कि अभी नहीं लिखा तेरा नाम तो तू इतना उदास क्यों है, अगली कोई कंप्लेंट तुझ पे हो जाएगी, टेंशन मत ले। अब यहां मैं आपको बताऊं टारगेट, जो मैं बोल रही हूं, भौरव गया यहां पे फंस, भंकू के तलवे चाटने गया, थूका हुआ प्रीति का चाटने गया गौतम गोबर, अपने चैनल के लिए। अभी बोलते हैं कि हमको चैनल की ज़रूरत नहीं, तो भाई चैनल तूने कीर्तन करने के लिए खोला है, चैनल तूने भंगड़ा डालने के लिए खोला है,
क्यों खोलता है कोई चैनल? अर्निंग के लिए खोलता है। सीधा बताना, गुर्दे में दम नहीं है बताने का कि हमको भी अय्याशी चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करनी उसके लिए, किसी के कंधे पे रख के चढ़ना है। नहीं तो अपना जो मेहनत से कर रहा था वो करता रहता। भंकुश के यहाँ प्रीति का थूका हुआ क्यों चाटने गया भाई तुम? अगर प्रीति की जगह तेरी सगी बहन होती तो भी ऐसे ही करता। सगी बहन की बारी आने वाली है, कोई नहीं ठंड रख। अगर तू ऐसे ही करता रहा ना तो फिर बस फिर दो ही बातें खुलेगी ना तो स्यापा पड़ जाएगा, ये मैं तुझे गारंटी देती हूँ 100%। तो अब आते हैं भौरव। भौरव गया फंस, जहाँ भी जाता है भौरव को कोई काम और तो है नहीं, वो भी वेला है। जहाँ भी जाता है भौरव को ये घटीजता है साथ। भंकुश जी के यहाँ थूक चाटने गया, वहाँ भी भौरव को साथ ले गया, है ना। तो भौरव है जी खाने पीने का शौकीन, ये मैं बता दूँ, ड्रिंकिंग करने की उसको आदत है, ड्रिंक करने की। तो लड़के चलो इकट्ठे ग्रुप्स में बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, मीट शराब चलती है। तो भौरव कुछ ऐसा है ना। तो ये घड़ीसता है हर जगह उसको साथ। अब जब ये मैटर था, खुद अपने घर बैठा है, इसने भंकुश जीजा जी के साथ लगा दिया भौरव को कि कोई नहीं तू चल इसके साथ, तू ड्राइव कर, तू इसका ड्राइवर बन जा, है फंसा दिया उसको। चैनल चलाने का फ़ायदा अपना निकाला, अब उसके केस पे व्यूज खुद ले रहा है। अगर उस पर केस हुआ है ना, भौरव तो फंस गया, नाम तो उसका लिखा गया ना कानूनी पेपर पे, केस पे कानूनी कार्रवाई तो उस पर होगी, और गोबर गौतम उसका फ़ायदा उठा रहा। अब उसके इस कानूनी केस के चक्कर में खुद डेली उसकी अपडेट देगा, व्लॉग्स बनाएगा, अच्छे से अच्छे व्यूज़ लेगा। किस लिए? समाज सेवा कर रहा है क्या? समाज सेवा नहीं यारो, यहाँ चक्कर डॉलर का ही है। किस लिए? डॉलर्स कमाएगा। और इसको बोल क्या रहा है? सपोर्ट भंकुश भैया, नहीं सौरभ भैया और भंकुश जीजा को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट व्लॉग्स बना के, व्यूज़ लेके, पैसे कमा के उनको सपोर्ट कर रहा है ना। फंसा दिया चक्कर में भौरव को, केस तो भौरव पे हुआ, ठुक गया भौरव। या तो वहाँ जाके बोलना कि उस दिन गाड़ी में भौरव नहीं मैं था, सर जी इसका नाम काट दो, मेरा नाम लिख लो। या तो ऐसे कर, बंदूक किसी और के कंधे पे रख के चला रहा है, फ्यूचर होगा ख़राब उसका। अगर ऐसे एक आध और केस में भौरव ठुक गया तो बस गया, अगर इन फ्यूचर उसने कहीं फ़ौरन वौरन जाना हो, कहीं जाना हो, तो फंस गया ना इस पुलिस के चक्कर में। और भंकुश और भी शातिर है, वो सोच रहा है कि इनकी बहन ने मुझे फंसाया है तो साथ में इन सालों को घड़ीसता हूँ, साथ में शराब पिलाऊंगा फ्री की, ड्रिंक करवाऊंगा, मीट शीट खिलवाऊंगा और दो केस इन पे भी पड़वाऊंगा। और पड़ गए। वो और भी शातिर है कि घर वालों को ही घर वालों के खिलाफ करते हैं, वो और भी खेल खेल रहा है शकुनी मामा हैं। और अब इस सारे चक्कर में उसको दूसरी को बुआ जी करके बेचारी भौरव की माँ को भी चाल चली उसके साथ भी, और भौरव को भी फंसा दिया भाई। भौरव और भौरव की मम्मी को बोलूँगी, आंटी जी शायद आप मेरी ऑडियो सुनती होंगी, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगी कि भाई इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, माँ बाप सर पे हैं, भौरव के तो फादर भी सर पे नहीं है, जिम्मेवारी सारी घर की भौरव की है, बच्चा है, वाइफ है, फैमिली है, इसको चपेड़े नहीं लगती कि भाई तू इनके चक्कर में तू किधर फंस गया? तुझे जो आगे करके फंसाया इस गोबर गौतम ने, खुद क्यों नहीं गया उसके साथ? चैनल खुद का चलवा रहा है, पैसे खुद कमा रहा है, और फंसा दिया उसको भौरव को। ये फंसाने वाला कोई और नहीं है, ये फंसाने वाला गोबर गौतम और भंकुश है। प्रीति ने तो ऑलरेडी सब कुछ किया कि भाई मैं लीगली चलूंगी, मैं लीगल तरीके से चल रही हूँ, तो हाथ जोड़ के उसकी सबसे यही बेनती थी कि भाई कोई इसके बीच में ना आए, क्योंकि मैं तो परेशान हूँ बच्चे के साथ, तो मुझे नहीं सेफ हो रहा, फिर मेरा केस चल रहा है, तो मुझे तो हर बात पे मुझे तो कानून की हेल्प लेनी है। और वो सही कर रही है, क्योंकि उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा है, जब भी उसको लगे, जब लीगल फाइट चल रही है, पहली तो बात इनका वहाँ जाना बनता ही नहीं था, बार बार दो चार बार उसने माफ़ किया, लेकिन भाई जब हद ही होगी, बंदा म्यूजिक लगा के जोर जोर से शोर मचा के डेले निकाल रहा है, आंखें दिखा रहा है, तो फिर तो बनता ही थी, कंप्लेंट तो बनती थी। जब उसकी कंप्लेंट सीरियसली ली गई तभी तो यहां तक पहुंची है ना। और जिस तरह की ये फाइट है, कंप्लेंट छोटी छोटी बात की भी होनी चाहिए। आपको फ़ोन पे मैसेज पे धमकी मिली, फ़ोन पे मिली, विद बाय फेस धमकी मिली, उसी वक्त पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हर चीज़ की होनी चाहिए प्रीति, और तुझको करनी चाहिए है। और भौरव की मदर अगर मेरा देखती है ना, आंटी जी इसको समझाओ कि भाई तू किस चक्कर में फंस रहा है, तेरा चैनल है, फंसा भौरव को दिया केस में, चैनल गोबर गौतम चला रहा है, फ़ायदा उसको हो रहा है, उधर भंकुश चैनल चला रहा है, अपनी सारी जो लीगल मैटर्स हैं सारे अपने व्लॉग्स में डिस्कस करता है, डॉलर कमाता है, गेम तो सारी डॉलर की खेल रहा है ये भंकुश, उसको भी फ़ायदा ही हो रहा है। इसको क्या मिल रहा है बीच में?
इस बौरव को बीच में क्या मिल रहा है, इसका तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। इन दोनों के पंप के चक्कर में, गौतम गोबर और भंकुश के पंप के चक्कर में सौरभ का फ्यूचर खराब होगा। इस भौरव का, सौरभ भौरव जो समझ, सौरभ आप समझ ही रहे हो जिसको मैं बोल रही हूँ, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो बात को समझो, चलाकियों को समझो कि कैसे रिश्तेदार रिश्तेदारों को फंसाते हैं, और फंसाने वाला ये गोबर गौतम है, खुद क्यों नहीं गया आगे। और दूसरी बात, बंदा बोल रहा है डॉलर्स कमाने के लिए, जैसे कि मैंने बोला तू यहाँ पे बैठा चैनल खोल के समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा, तू भी डॉलर कमाने के लिए। और तुझे अब ये टॉपिक मिल गया गर्मा गर्म, डेली सर्व करूंगा मैं आपको खिचड़ी, डेली सर्व करूंगा, क्यों? डॉलर्स कमाने के लिए। इस पे चैनल पे बोलने से मुझे ये बता कि गौरव की क्या हेल्प हो जाएगी, क्या सपोर्ट मिल जाएगी इनको, जो लोग व्यूज देते हैं, कमेंट करते हैं, क्या ये वहां जाके गवाही देने जाएंगे कि हाँ हमने देखा, हमने देखा वो था वहां या नहीं था, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना, तो फिर कैसी सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट करनी है तो साथ जा, गाड़ी लेके साथ जाया कर, वहां जहां पे तरीक पे जाता है उसको लेके जाया कर, घर बैठा क्या कर रहा है? अब इस बंदे ने एक बात करी कि वो फैमिली ये सब कुछ कर रही है डॉलर्स के लिए, उनके पास कोई काम नहीं है, गाड़ी उठाते हैं, केस केस खेलते हैं। अच्छा भाई, बड़ा सयाना है तू, बड़ा सयाना है, लेकिन लॉजिक कहाँ गया तेरी बात का? लॉजिकली बात कर भाई। ये बात जो है ना, ये तेरा जीजा भंकुश इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, कोर्ट केस से, इन सब लीगल एक्टिविटीज से वो पैसा कमा रहा है। आज तक भी तूने कभी देखा है कि प्रीति ने या उसके भाई बहन जो YT पे हैं, किसी ने भी कभी बात की हो इस बारे की कि आज हमारा कोर्ट का ये है वो है या हमें ये मिला हमारी ये? कभी प्रीति ने एक बार हेयरिंग की बात एक बार करी होगी, लेकिन उसने ज़्यादातर शुरू में ही बोल दिया था कि जो मेरी लीगल फाइट है मैं YT पे डिस्कस नहीं करूँगी, वो मेरी अलग से है, वो मैं अपनी लाइफ का हिस्सा है जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, कोई ज़रूरी बात होगी तभी शेयर करूँगी वरना नहीं। और उस लड़की ने आज तक कभी शेयर नहीं किया कब हेयरिंग थी, क्या है क्या नहीं है, उसने कभी शेयर नहीं किया ऐसा। ये शेयर सब कौन कर रहा है? तुम्हारा जीजा भंकुश। तो लीगल फाइट से डॉलर कौन कमा रहा है? तुम्हारा जीजा भंकुश, या फिर अब तू गोबर, या फिर अब तू कमा रहा है। तो उनकी क्या बात कर रहा है भाई? उनके पैसे से, उनके काम से तुझको बड़ी जलन हो रही है, और मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा आग लग रही है तुझको गोबर, तुझको उनकी तरक्की देख के। ऊपर वाला करे तुम जैसे लोगों की बुरी नज़र से बचाए उन लोगों को, ये मेरी दिल से प्रेयर है उनके लिए, मेहनत करके तरक्की करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हे भगवान तू उनकी हिफाजत करना, ऐसे लोगों से, ऐसी बुरी नज़र वालों का मुंह काला करना तू ही। और बद्दुआ है, ये भी ऊपर वाले की से ही बोलती हूँ कि बद्दुआ है, जो इंसान किसी को देख के जलता है या जो किसी की बेटी को दुख में देख के खुश होता है, और कहते हैं ना कि बेटी किसी की भी हो उसको हमेशा उसका पर्दा रखने की कोशिश करो ना कि उड़ाने की, है ना, और जो ऐसे उड़ाते हैं तो फिर उनके खुद के उड़ते हैं, उनके खुद के पर्दे खुलते हैं फिर। तो ये मैं तुझको बता दूं कि अगर तू फालतू की बकवास करेगा, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बताने पे आ गई ना, एपिसोड बनाने पे आ गई ना, तो फिर तेरे को जवाब नहीं, तू इधर उधर जाके चैनलों पे लाइव पे तुम सारा परिवार बकवास कर लो तो भी जो बातें खुल जाएंगी ना, वो कहते हैं ना गंड बज्जी है तो बज्जी रहन दो, जे गंड एक बारी खुल गई तो गई गल, है ना, तो वो जो गंड बज्जी हुई है ना उस पर्दे को रहने दे, क्योंकि देख हवा में फैल गया ना झूठ, सच एक बार फैल गया तो फैल गया, फिर तुम लाख कोशिशें कर लो तुम उसको ढक नहीं पाओगे। सुजेशन है तेरे लिए, समझ ले, क्यों जो भंकुश जीजा है ना तेरा, और तेरे भंकुश जीजे की बहन है कंचन लोमड़ी, उनका कोई पर्दा रहा नहीं है, बस उसका वो जो दो बातें हैं ना जो मुझे, एक भंकुश की तेरे जीजे की और एक उसकी बहन लोमड़ी की है ना, और एक उसकी मदर का, मैंने कुछ पास्ट बताया लेकिन कुछ बातें थी जो मैंने छुपाई, वो इतनी गंदी हैं कि मैं खुद मुझमें हिम्मत नहीं होती बोलने की, मुझे शर्म आती है ऐसी गंदी बातें बोलने। अब वो बेशर्म है, उनकी खे उड़ चुकी है, पंजाबी जी कहते ना उन्होंने खे उड़ गई है, उन्होंने तोए तोए हो गई है, तो वो बेशर्म हो गए हैं, वो बेशर्म हो गए तो साड़ी तो खे उड़ी है असी दूजियां दी भी उड़ाइए। तो वो अब जो तुझको वो जो मसाला दे रहा है ना कि तू ऐसे कर ऐसे कर, अब वो चाहता है कि जो खे हमारी उड़ी है वो तेरी उड़े, तेरे परिवार की उड़े। तो मौका दे रही हूँ तुझको, समझा ही रही हूँ, अभी समझा रही हूँ कि उसके पीछे लग के खे उड़ाने वाले काम मत कर, क्योंकि अगर खे उड़ी ना तो
तो वो तो बेशरम परिवार है, उनको तो डॉलर्स के सामने अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, वो सह गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो लड़की है ना, उसने अपना जो कार्टून हस्बैंड है ना, उसको पूरे कब्जे में कर रखा है। चाहे तुम उसके सारे पोतड़े खोल दो, उसकी सारी सच्चाई बोल दी, उसकी शादी से पहले वो क्या क्या करती रही, कितने लड़कों के साथ उसका चक्कर था, कितने लड़कों को यूज़ किया, कितने लड़कों से पैसे हैं खेटे हैं, सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड उसको छोड़ नहीं रहा। लेकिन तुम ये मत सोच कि तुम्हारे केस में ऐसा होगा, पास्ट सबका होता है। तुमको क्या लगता है तुमने किसी का पास्ट बता दिया तो तुम्हारा पास्ट क्या किसी को पता नहीं होगा? ढका रह जाएगा, और वो भी ऐसा पास्ट जो रिश्तेदारियों में मुंह मारता है। कितनी रिश्तेदारियां खराब होगी अगर मैंने नाम ले दिए तो, जो कि मैं करना नहीं चाहती तेरी वजह से। गौतम गोबर, तेरी वजह से होगा अगर सब होगा तो। मैंने पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल देना है कि फ्यूचर में आने वाली ऑडियोज पे जो भी नाम है उन सब का जिम्मेदार ये गौतम गोबर है। तो इस गोबर को पहले ही संभाल लो, वरना फिर सुजेशन तेरे लिए भी है, उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि तेरा मुंह बंद कराएं, कि तू फालतू के मसले में मत पड़, अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करता है कर, क्यों कर रहा है। और एक बात तुझको बता दूं कि तेरा भंकुश जीजा है ना, उनकी खे उड़ चुकी है, अब वो चाहता है तुम्हारी खे उड़ाना। और अगर तू चाहता है कि तेरी फैमिली की इज्जत जो बची ढकी हुई है वाईटी पे उछली नहीं है, तो उछालना चाहता है तो मुझे बोल दे डायरेक्टली, एक अपना व्लॉग बना के बोल दे कि जा तू जो बोलना चाहती है बोल, तेरे पास जो पोतड़े हैं खोल, तो आई एम इन द मैदान, आई एम इन द ग्राउंड है। तो फिर मैं भी नहीं सोचूंगी, ठीक है। तो और गौरव की माँ से रिक्वेस्ट है, आंटी रिश्ते होते हैं ना रिश्ते, सगी बहनें सगे भाई बहन है ना, वो सगे भाई बहन ही होते हैं। ये जो ऐसे कुछ गंदे खून है गोबर गौतम जैसे, इनके पीछे लग के अपनी समझदारी मत छोड़ो, बच्चे के बच्चों के पीछे लग के। बच्चों ने जगह जगह मुंह काले करवाए हैं इनके पीछे लग के, नहीं समझदार बनो, बड़े हो, अपने बच्चों को दो थप्पड़ मार के उनकी आप सोच सही कर सकते हो, है ना। और इस गौतम गोबर की तो अभी शादी भी नहीं हुई, कोई परिवार नहीं है। ये बौरव का ही तो शादी हुई है, बच्चा है, उसके बारे में सोचे, ऐसे चक्कर में उसको फंसा के उसकी ज़िंदगी ये ख़राब कर रहा है, खुद गौरव के नाम से डॉलर कमा रहा है। तो समझो, चलाकियों को समझो, इस तरह से इनका वो फ्यूचर मत बर्बाद होने दो। प्रीति ने कंप्लेंट की है, उसकी गलती नहीं है, उसने तंग आके कंप्लेंट करी थी, हद से ज़्यादा हो गया था, दो चार बार पांच बार कब तक माफ़ करे। और इनकी गलती है सबसे बड़ी, यहाँ मेन बात जो मुझ में हाथ जोड़ के प्रीति के सभी रिश्तेदारों से, अगर जो जो मेरी ऑडियो सुनता है इनसे गुजारिश करती हूँ कि भाई जब दो घरों का मसला था, मायका ससुराल, प्रीति का था ना, प्रीति का उसके हस्बैंड के साथ था जो भी, लीगली उसने फाइट शुरू कर दी। आप रिश्तेदार हो, चाहे ये बौरव है चाहे ये गौतम गोबर है ना, आप रिश्तेदार हो, आपको एक सही लगता है एक गलत लगता है, तो भाई जब अगर आपको अपनी लड़की का अपनी सिस्टर का साथ नहीं देना तो चुप करके पीछे हट जाओ, किसी का भी साथ मत दो, ना इसका ना उसका। उनकी लीगल फाइट शुरू हो गई, वो लीगली लड़ें, जिसको इंसाफ जैसे मिलना होगा मिल जाएगा, तुम लोगों को तो बीच में कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन एक सिर्फ चैनल चलाने के चक्कर में तुम भंकुश जीजा के पीछे गए हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम गए हो, ससा तुमने गौरव को दिया है, ये कहाँ की सही बात है, ये तो सोचना चाहिए ना। अभी भी आप लोगों के पास एक है रिश्तेदार हो, भाई चुप करा लो उनको, आप पीछे हट जाओ, बोलो कि भाई हमारे जोड़े हाथ, हम दोनों बीच में से निकलते हैं, ये गौतम गोबर और ये बौरव, कि हम बीच में से निकलते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, भाई जो सही होगा लीगली उसको इंसाफ मिल जाएगा, हमें इस चीज़ में से हम निकलते हैं। तुम लोग इसमें पढ़ते ही नहीं तो तुम फंसते क्यों, जब तुम लोग पढ़े हो जानबूझ के, तुम लोग एक लड़की को अपनी ही कज़न सिस्टर को टारगेट कर रहे हो, और अब जब उसने लीगली अपना शुरू से ही उसने बोला था कि मैं लीगली लड़ रही हूँ, मेरे मुझे कोई ना बीच में तंग करे, तो ना जाते तंग करने। एट लास्ट बस रिश्तेदारों से यही कहूँगी कि भाई तुम सबको पता है बीच में कैसे कैसे कौन कौन से राज है, किसका क्या है, और सौ गौरव तो गौरव की बहुत सारी बातें मुझे पता है, बचा सकती हूँ। मैंने वही और जब पहले ऑडियो डाली थी ना, उसी में बोल दी कि भाई गौरव तू शादीशुदा है, अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर, अब तो तेरा बच्चा भी है, हैं तो सोच ज़रा, जो पास्ट है गंदा है तू भी जानता है, और ये गौतम गोबर भी जानता है इसका पास्ट कितना गंदा है, सामने आया तो तकलीफ़ तो फैमिली को होगी, और उनको ज़्यादा होगी जिनके साथ था। पता है तुम लोग कहाँ कहाँ रिश्तेदारी में मुँह मारते हो। और रिश्तेदारों से गुजारिश है कि भाई इनको बोलो उन हस्बैंड वाइफ की लीगल फाइट है, रहना ना रहना कोर्ट में सब कुछ डिसाइड होगा, तुम बीच में क्यों पड़ते हो।
अपने घरों को देखो, अपनी बेटियों को देखो, अपने घरों को संभालो। बस एट लास्ट मेरी यही गुजारिश है सबसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट, मतलब कि मेरी बातों को सुनते हैं, समझ पाते हैं। तो भाई इतनी देर से, जो कम से कम एक साल तो हो ही गया है मुझे रेगुलर ऑडियोज़ डालते हैं, इतनी देर झूठा बंदा नहीं बात कर सकता, इतनी देर बातें, तभी मैं इतनी सारी खोलती हूँ, इतनी सारी बातें डेली करती हूँ, क्योंकि मुझे सच पता है। मुझे वो नहीं है कि हाय स्क्रिप्ट याद करनी है, ये डायलॉग बोलना है, ये भाई मुझसे तो चाहे तुम इस टॉपिक पे डेढ़ घंटा बात करवा लो। जैसे जैसे मुझे बातें याद आती हैं मेमोरी में, मैं बोलती हूँ। आज भी ऑडियो बहुत लंबा हो गया है, सो सॉरी। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।